हम सब लोग बहुत परेशान हैं कि ये कोरोना वायरस जो है, इसकी जो प्रॉब्लम है ये कब तक सॉल्व होगी। आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ। 10 मार्च को मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने आपको बताया थे क्या एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से जिसके कारण की ये प्रॉब्लम डेवलप हुई और ये प्रॉब्लम इतनी लार्ज एक्सटेंट तक बढ़ी। राहु एंड केतु वर प्राइमरीली द प्लैनेट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग दिस प्रॉब्लम। जब भी हम बात करते हैं वायरसेस की, जब भी हम बात करते हैं फोबियाज की, हम बात करते हैं अननोन फियर्स की, तो राहु इज द प्लैनेट विच इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर आप न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे ये साल 2020 तो इसका टोटल भी जो है 4 आता है, 2+2 मेक्स इट टू 4, और 4 इज द नंबर फॉर राहु। एंड राहु जो है आजकल बड़े स्ट्रांग है, वो आद्रा नक्षत्र में, अपने खुद के नक्षत्र में है, तो राहु इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जैसा मैंने कहा कि राहु इज द प्लैनेट फॉर अननोन फियर, अभी क्या हो रहा है, अभी हम सब बहुत डरे हुए हैं, देयर इज अ अननोन फियर कि हमें पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी, राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। राहु जो है वो मिथुन राशि में है, मिथुन राशि विच इज जेमिनाइन, वो जो है काल पुरुष की कुंडली की थर्ड राशि है, वो थर्ड हाउस को रूल करती है। थर्ड हाउस इज द हाउस फॉर कम्युनिकेशन। अभी क्या हो रहा है, बहुत ही नेगेटिव कम्युनिकेशन स्प्रेड हो रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, चाहे लोग आपस में बात कर रहे हो, तो एवरीबडी इज टॉकिंग वेरी नेगेटिव। इससे क्या हो रहा है, इससे हम जो है राहु को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं, राहु की जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं, एटलीस्ट ये तो हमारे हाथ में है। सो प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग द नेगेटिव कम्युनिकेशन, बी पॉजिटिव इन योर कम्युनिकेशन। नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर प्लैनेटरी चेंजेस, आज 29 मार्च को एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, वो है जुपिटर का। जुपिटर जो है वो अब मकर राशि में केप्रिकॉन साइन में आ गए हैं। सैटर्न जो है वो 24 जनवरी को ऑलरेडी मकर राशि में आ चुके हैं, मंगल भी मकर राशि में है। सो मेजर एंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आर इन केप्रिकॉन साइन, मकर साइन। मकर राशि जो है वो रूल्ड है बाय शनि, शनि जो है वो मकर राशि को रूल करते हैं, एंड शनि इज अ डिसिप्लिनरी प्लैनेट। मकर राशि की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मकर राशि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है डिसिप्लिन, सिंस इट्स रूल्ड बाय सैटर्न। मकर इज द साइन फॉर रिस्ट्रिक्शन, इट इज द साइन फॉर यू नो सॉर्टिंग आउट योर प्रीवियस कर्मास। जैसे मैंने कहा रिस्ट्रिक्शन का प्लैनेट है, अभी क्या हो रहा है, अभी एवरीथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, आर मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, द इकोनॉमिक कंडीशन आर रिस्ट्रिक्टेड, द सोशल कंडीशन आर रिस्ट्रिक्टेड, एवरीथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड। सो मकर राशि इज यू नो प्लेइंग इट्स रोल, इट इज द साइन फॉर डिसिप्लिन। और मंगल जो कि इसी राशि में एग्जॉल्ट होते हैं, वो भी जो है डिसिप्लिन का काम जो है बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वी ऑल नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, विच वी आर नॉट बींग, वी आर बींग वेरी इररिस्पॉन्सिबल एट द मोमेंट, वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। हम जो है अपने डिसिप्लिन से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो ये प्रॉब्लम है इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, इसको आगे फर्दर बढ़ने से कम कर सकते हैं, एटलीस्ट ये तो हमारे हाथों में है। सो वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, वी डोंट नीड टू गो आउट, वी डोंट यू नो वी नीड टू फॉलो द रूल्स प्रॉपरली फॉर आर ओन सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर सोसाइटी। देखिए हम सब मिलके एज अ सोसाइटी ही इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। ऑल्सो एज आई सेड, सैटर्न जो है वो कार्मिक प्लैनेट है, ये जो टाइम है हमारे कार्मिक, हमारे कर्मों को भी रेट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है। सो प्लीज यू नो लेट अस कनेक्ट विथ आर ओन सेल्फ। वीनस जो है वो अभी टॉरस राशि में मूव कर गया, जो कि उसकी खुद की राशि है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव इंपॉर्टेंट चेंज। 14 अप्रैल को सन जो है वो एग्जॉल्ट होगा, उच्च का होगा, विच विल ऑल्सो बी अ इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव चेंज। देखिए पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, पर सिचुएशन को धीरे धीरे चेंज होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जैसा मैंने कहा राहु और केतु, दे आर स्टिल वेरी स्ट्रांग, सो दे आर स्टिल प्लेइंग देयर इंपॉर्टेंट रोल, राइट। नाउ द पीरियड फ्रॉम 10th May टू 15th May इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दीज डेट्स। 10th May को जो है सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, 13th May को वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है, एंड 14th May को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। जुपिटर जो है वो केप्रिकॉन साइन में 29 मार्च से आया है और 29 जून तक रहेगा।
29 जून के बाद वो जो है वापस धनु राशि में चला जाएगा। जुपिटर का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर जो है वो नवंबर 2019 में धनु राशि में आया था। धनु राशि जो है वो फायरी राशि है, उसको कोदंड राशि भी कहा जाता है। और जुपिटर जो है वो प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है, और जुपिटर जो है इस राशि में बहुत जल्दी मूव किया था, नवंबर में आया और अभी जो है क्या कहते हैं मार्च में जो है इसने वो पूरी राशि का स्पैन, तो 30 डिग्री का स्पैन है वो उसने कवर कर लिया। मतलब जो मूवमेंट था वो बहुत फास्ट था। तो फायरी राशि में, फायरी साइन में जब मूवमेंट बहुत फास्ट किया तो क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। देयरफॉर राहु केतु ने तो प्रॉब्लम क्रिएट की, पर जुपिटर ने जो है प्रॉब्लम को एक्सप्लोड किया। सो दिस जुपिटर हैज नाउ कम इनटू कैप्रिकॉर्न। सो एनीवे, सो टॉकिंग अबाउट 10th मई टू 15th मई, वेयर थ्री प्लैनेट्स आर बिकमिंग रेट्रोग्रेड। नाउ व्हाई रेट्रोग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेट्रोग्रेड जब भी प्लैनेट्स होते हैं तो तब जो भी सिचुएशन होती है उसमें चेंज आता है, चाहे पॉजिटिव सिचुएशन है तो उसमें भी चेंज आएगा, और अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो उसमें भी चेंज आएगा। सो दिस रेट्रोग्रेशन ऑफ दीज थ्री प्लैनेट्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। ऑल्सो इन द मंथ ऑफ मे, राहु जिसको मैं बार बार कह रही हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो जो है नक्षत्र भी चेंज कर रहा है, आद्रा नक्षत्र से बाहर निकलेगा, विच विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन द सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, इफ आई सम अप द होल थिंग, देर आर चेंजेस विच आर गोइंग टू हैपन एंड देर विल बी पॉजिटिव चेंजेस। ह्यूमैनिटी विल बी एबल टू ओवरकम दिस सिचुएशन, एंड फॉर दैट अगेन आई एम सेइंग वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सो दैट हम ये सिचुएशन को जल्दी ओवरकम कर लें। देखिए, सिचुएशन खत्म तो होगी, पर अगर हम इरिस्पॉन्सिबल होंगे तो टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा सिचुएशन से बाहर निकलने में। सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, प्लीज टेक ऑल द प्रिकॉशंस, एंड प्लीज बी पॉजिटिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो फ्रेंड्स, नवरात्रे चल रहे हैं, 1 अप्रैल को अष्टमी है। हम लोग जो है अष्टमी पे अक्सर कन्याओं को बुलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनको खिलाते हैं। इस साल जो है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो भी हो रही है उस कारण से हम ये नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम सब अष्टमी पे जो है कंट्रीब्यूट करें उन लोगों के लिए जो कि डेली वेजर्स हैं या जो लोग जो है अभी खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो मे बी वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, और वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनजीओस। अगेन फ्रेंड्स, जो आपने हेल्प करनी है वो रिस्ट्रिक्ट होके अपने आपको सेफ करके तभी करें। वेरी सून द सिचुएशन विल चेंज, प्लीज बी पॉजिटिव एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।